रहा हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 के परावर्तन अपवर्तन के 12th लेक्चर में। और जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट से जाकर के पिछला लेक्चर देख लें ताकि चीजें आगे के लिए आसान हो सके। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे लेंस के प्रतिबिंबों की स्थिति जानने के लिए लेंस के चिन्ह परिपाटी, पहले चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के लिए, लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी, ये साइन कन्वेंशन कहते हैं बच्चों इसको। साइन कन्वेंशन होता क्या है, मतलब कौन सा प्रतिबिंब कहां बने और उसके लिए हमें क्या चिन्ह लेना चाहिए, उसे हम इसमें समझेंगे। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले केस की, तो जो भी दूरियां होती है लेंस के प्रकाशित केंद्र से ली जाती है, प्रकाशित केंद्र लेंस के बीच में होता है, तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी, ध्यान दीजिएगा इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है, याद रखिए। दूसरा, लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होगा, इसे हम लोग दिखाते हैं बच्चों बी से, ध्यान दीजिएगा ये भी हो गया। तीसरा केस, तीसरा ये है लेंस के प्रकाशित केंद्र से फोकस की दूरी, तो ये फोकस की दूरी जो होगी उसे हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। तो ये है तीन पैरामीटर जिनके बेसिस पर हम लोग ये चीजें समझेंगे। आइए चिन्ह परिपाटी को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे पास कोई उत्तल लेंस है और इसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये रख दिया हमने कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण गई कहां, समांतर। अब समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण ये लीजिए, एक फोकस से होकर जाएंगी, लीजिए फोकस से होकर जाएंगी, और ये जो जाएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। देखिए ये हमने इसका डायरेक्शन बना रखा हुआ, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था जिसका नाम आपने रख दिया ए बी, और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब मिल गया जिसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिएगा वस्तु से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस, इसे हम इससे दिखाते हैं यू से, ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस होगी इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से, याद रखें ये भी। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी क्या, फोकल लेंथ। तो ये तीन फैक्टर हो गए। आज एक चीज और सीखेंगे, अगर कोई भी स्थिति हो, चाहे वो वस्तु की स्थिति हो, चाहे वो इमेज की स्थिति हो, चाहे वो फोकल दूरी हो, अगर वह लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और राइट हैंड साइड में दाईं ओर में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसे हम किसके साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इन चिन्हों के साथ ली गई दूरियों को हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। याद और क्या रखना है आपको, याद रखिएगा बच्चों नोट लिख करके कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है बेसिकली वो लेफ्ट हैंड साइड में, और मेन तो वही है इमेज तो द्वितीय फोकस के साइड में ही बनता है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ठीक है, ये नेगेटिव ली जाती है, मतलब उसका फोकल लेंथ जो भी होगा 5, 10, 15 वो नेगेटिव लिया जाएगा, ओके, ये लेने के लिए हो गई पहली बात। दूसरी बात तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर याद रखिए कि उत्तल लेंस का जो सेकेंडरी फोकस है वो राइट साइड में होता है, तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए यह फोकस दूरी धनात्मक
पॉजिटिव होती है, ठीक। ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये भी हो गया और उधर से हमें पॉजिटिव भी जाएंगे। दूसरी बात और क्या समझने में आने वाली है, ठीक। अगर प्रतिबिंब बी, ये प्रतिबिंब की स्थिति है बच्चों, ध्यान से देखिए प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ, मतलब कि नेगेटिव का मतलब होता है कि इन्हें इधर ना मिल करके इधर मिले। अगर ये नेगेटिव मिला तो इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रतिबिंब लेफ्ट में ही मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब और नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव मिला है मतलब अदर साइड में मिला है तो इसे हम लोग कहेंगे वास्तविक, ठीक, याद रखिएगा वास्तविक। तो इस तरीके से ये जितने भी पैरामीटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत रखते हैं। अब ये सब लगाएंगे किसमें, तो इसको लगाएंगे हम लेंस के सूत्र में। तो आइए जानते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, तो बच्चों लेंस का जो सूत्र है वो तो दोनों लेंसों के लिए काम करता है, जिसको हम लोग लेंस फॉर्मूला कहेंगे। मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए परफॉर्म करेगा, ठीक। और जानने वाली बात यह है कि इसका डेराइवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, टेंथ में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्या होता है। तो लेंस का जो सूत्र है, लेंस का सूत्र स्मॉल एफ कॉमा स्मॉल बी तथा बी के मध्य मध्य संबंध का सूत्र है, ठीक। अब ये निकालेंगे कैसे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी। ये चीजें आपने दर्पण में भी देखी थी बच्चों, और उसमें ये नेगेटिव के जगह पॉजिटिव यूज करते थे हम लोग, याद होगा आपको, ठीक। तो ये 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू को हम लोग लेंस का सूत्र कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें आगे किस पर काम करना है, कैसे प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। माना किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। पहला काम ये होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि ये क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसकी है, अवतल लेंस की। अब मैंने क्या बताया था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए, नेगेटिव मतलब एफ की वैल्यू -10 लिखिएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अवतल लेंस के सम्मुख कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो ये हो गया यू इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखी जाती है, इसलिए यू हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। तो एफ हो गया, यू हो गया, अब आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब बी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो लेंस के सूत्र से निकालेंगे। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ के जगह पे क्या पुट कर दीजिए, माइनस 10, और बी के जगह पे बी छोड़ दीजिए, और यू के जगह पे माइनस 15 रख दीजिए, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन 10, और फिर ये माइनस माइनस प्लस इधर आया, फिर माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी लीजिए।
तो यहाँ पर आपका जो देखने को मिला एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम कितना देखने को मिलेगा, तो जो बच्चे एलसीएम निकालना नहीं जानते वो देख लें कि 10 और 15 का एलसीएम निकालेगा 2 और 3 और फिर अब तो कटेगा नहीं, तो 5 2 10 और 10 3 30, तो एलसीएम आपने लिख दिया 30, 30 को इससे डिवाइड किया आएगा 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3, यहाँ पे इसको डिवाइड किया 2 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इज इक्वल टू 1/b, यहाँ से आपने क्या किया 1/b की वैल्यू निकाल ली और वो 1/b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/30, ठीक। अब -5/30 को आप ट्रांसपोज करोगे, मतलब इसको काट दोगे तो आएगा -1/6, ट्रांसपोज कर दीजिए तो बी की वैल्यू आएगी -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, तो ये प्रकृति इसकी कैसी होगी, आभासी होगी। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं या फिर लेंस का आवर्धन। आवर्धन क्षमता अभी क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, देखिए आवर्धन का मतलब होता है बड़ा बनना। जब हम किसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो लेंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम किसी दूर रखी वस्तु को, छोटी वस्तु को बड़ा देख सके, तो लेंस का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम अपनी कन्वीनियंट में, मतलब अपना ही हेल्प कर सके किसी वस्तु को देखने। तो वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, बड़ा, तो वस्तु का बड़ा आकार बनेगा। लेकिन ये बड़ा आकार बना ये पता कैसे चलेगा, तो ये तुलना करने से पता चलता है, किससे, वस्तु से। तो किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की तुलना वस्तु से करने पर उसका अनुपात, इसका वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की तुलना वस्तु से करने पर प्रतिबिंब और वस्तु का अनुपात उस लेंस का आवर्धन कहलाता है, ठीक। तो हम बात करेंगे आप लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन। रेखीय का मतलब होता है कि उसकी लंबाई में, किसी एक भुजा में जो कि लंबाई होगी, लंबाई में होने वाली वृद्धि या फिर लंबाई में होने वाला परिवर्तन। बेसिकली यहाँ पर हम आवर्धन का मतलब लंबाई से ही लेंगे। तो लेंस का रेखीय आवर्धन केवल एक ही बीमा में, ठीक है, लंबाई में। रेखीय आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम लोग आई से दिखाएंगे, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर स्मॉल एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो है आपकी आई, और जो वस्तु की लंबाई है वो है आपका ओ। तो यहां से एम इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आई बाई, ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक बार मैं ये बता दूं कि इसका एक और फॉर्मूला होता है और वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं।
ये मेरे पास कोई लेंस है और ये हमारा है मुख्य अक्ष, ओके। अब इस मुख्य अक्ष में हम लोग कैसे सॉल्व करके इसका रिलेशन निकालेंगे, आइए देखा जाए। यहाँ पर एक वस्तु रख दी गया, इस वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश की किरण है समांतर, ये होके गया फोकस, ये लीजिए फोकस, और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हो गया इमेज। इसे हम ए बी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये है इमेज ए डैश बी डैश, जिसे हम कह सकते हैं इमेज। याद रखिए कि ये वाली जो ट्राइंगल है ए बी ओ, ये एक्चुअली समरूप है, ए डैश बी डैश ओके। देखिए ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला खड़ी वस्तु का इमेज खड़ी ही मिलेगी, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, समरूप है। याद रखिए बच्चों कि समरूप त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होता है, ठीक। और ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, ध्यान देने वाली बात ये भी है, ठीक। इसी से हम प्रूफ कर ले, हम चाहें तो अवतल से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक से हम रिलेशन दिखा सकते हैं। तो आइए, त्रिभुज ए बी ओ तथा एक त्रिभुज इसके साथ कौन है, ए डैश बी डैश, जो कि समरूप है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ठीक। क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मान लेते हैं ये लंब, लंब बटा लंब मतलब ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और आधार बटा आधार, इसका आधार क्या है, इसका आधार है बच्चों बी ओ, फिर इसका भी आधार लेना होगा बी डैश ओ। याद करिए ए बी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश का मतलब क्या, इमेज की लंबाई, इमेज, ठीक। और इसको क्या कहेंगे, बी ओ, बी ओ वस्तु की स्थिति है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, तो यहां यू लिख सकते हैं। और बी डैश ओ, बी डैश ओ को किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, बी स्मॉल, तो ये कहां है, राइट में है, तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं। और इमेज, इमेज इस वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे, किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, ये माइनस जो है वो दोनों कट गया, ठीक। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आई बाई ओ इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई यू, ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। चाहे तो आप आई बाई ओ को क्या लिख सकते हैं, एम, तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई ओ, तो ये हो गया लेंस का रेखीय आवर्धन या लेंस की आवर्धन क्षमता। बात समझ आ गई, तो यहां पर हमने बात कही लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इस लेंस के आवर्धन क्षमता और उसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, और एक बात और होगी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के बारे में भी अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नोट्स कंप्लीट करिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।